हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हार्ड हाउस की तरफ। मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा आप देख सकते हैं। कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पेड रीडिंग होते हैं, इसके लिए पे करना पड़ता है, तो सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में आज के दिन में क्या चल रहा है। तो जो लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रहा है, सेपरेशन में, ब्लॉक सिचुएशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, तो अपनी पार्टनर की एनर्जी जानने के लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। हर रोज़ की मेरा रीडिंग आता है नो कॉन्टैक्ट का, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर न्यू हो तो। और हर रोज़ की एनर्जी आपको मिलेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके। प्लीज़ एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, सेपरेशन में है बहुत दिनों से, तो उनके पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है, किसी ने गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन कैसा है। मून की एनर्जी है गाइस, वी आर द वर्ल्ड, मैच्योरिटी एंड सेलिब्रेशन, बॉटम द डेक है फुल। ओके, तो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, दी वर्ल्ड कार्ड आया है, तो सारे साइन सब मान सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में क्लैरिफिकेशन में और साइन आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिश्ते में कंप्लीशन लेके आना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में सेलिब्रेशन लेके आना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ से केयरफुली बाहर आके आपके तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, साइलेंस के कार्ड है, साइलेंस जोन में है, इमोशनल है, इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे इमोशन को, और साथ ही साथ प्लानिंग कर रहे साइलेंटली, ठीक है। और आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं, हो सकता है कुछ सिचुएशन के चलते वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो में जा रहे हैं, कि सिचुएशन उनको जैसे लेके जा रहे हैं वो वैसे ही जाता जा रहा है, लेकिन वो आपके साथ जो है सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिलहाल गोइंग विद द फ्लो में जा रहे हैं, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, और हो सकता है कि लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इम्बैलेंस चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंटेंसिटी के साथ आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके तरफ इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, आपके तरफ मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, आपके तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, और क्विकली आना चाहते हैं आपके लाइफ में, तो इस तरीके का वाइब्रेशन है गाइस। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। प्लीज एंजल क्लैरिफाई करें कार्ड्स को। तो गाइस, मैं यहाँ से आज सोच रही हूँ कि इस स्टेप से मैं कुछ कर लूँगी कि करंट सिचुएशन क्या चल रहा है आपके पर्सन की, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। तो पहले मैं फोर कार्ड्स यहाँ से लूँगी कि ओवरऑल एनर्जी कैसा है आपके पर्सन की, ठीक है, उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है, कौन सी सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। जब भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। तो पेज ऑफ कप्स आया है गाइस, जेस्चर करना चाहते हैं, और देखिए दोनों डेक से सेलिब्रेशन आया है, तो एनर्जी जो है एक्यूरेट है, काफ़ी हद तक सही है। माय गॉड, देखिए मैंने इतना मोटा डेक है और दो कार्ड सेम निकल कर आना बहुत बड़ी बात है। वन मोर कार्ड एंजल, क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। यस, जस्टिस, आपके पर्सन आपके तरफ जस्टिस लेके आएंगे गाइस, फाइव ऑफ
फाइव ऑफ बैंड्स की एनर्जी, यहाँ से टोटलिटी का कार्ड आया था ओके बॉटम से, और यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्स, तो फाइट हो रहा है किसी के साथ, ओवरऑल एनर्जी उनका जो है जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वहाँ पर फाइट हो रहा है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल एंड सेवन ऑफ पेंटिकल, देखिए गाइस मैंने बहुत ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं लिया है दोनों डेक से ही, लेकिन कार्ड देखिए आप सेम ही कार्ड निकल कर आए हैं, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि प्रेडिक्शन क्या है, मतलब कितनी हद तक जो है रेजोनेट कर रहे हैं, एक दूसरे को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो सेम कार्ड दोनों डेक से निकल कर आए हैं, मैंने इस डेक से सिर्फ सिक्स कार्ड लिए हैं और इस डेक से भी मैंने फोर कार्ड लिया था और बॉटम से दो कार्ड्स आए हैं, तो सिक्स कार्ड, तो सिक्स कार्ड में से फोर कार्ड सेम कार्ड्स निकल कर आए हैं, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन फुल फुल, और यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल सेवन ऑफ पेंटिकल ठीक है, और यहाँ से फाइव ऑफ सोर्स, और यहाँ से आया था फाइव ऑफ बैंड्स, नंबर देखिए फाइव ओके। तो गाइस सिक्स कार्ड में से थ्री या फोर कार्ड सेम निकल कर आना बहुत बड़ी बात है रीडिंग में ठीक है। तो चलिए रीडिंग की बात करते हैं, एनर्जी तो सेम ही निकल कर आया है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से आपके पर्सन केयर फ्री होकर बाहर आएंगे, आपको जस्टिस दिल पाएंगे, या तो फिर कोई लीगल सिचुएशन चल रहा है उनके लाइफ में, या तो उनको अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ से उनको डिवोर्स लेना है, या तो अगर सिंगल है तो वो आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या फिर उनके काम की जगह पे कोई ना कोई लीगल मैटर चल रहा है, इस तरीके का सिचुएशन है। अदरवाइज वो आपको फेयरनेस देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं कि जो भी आपके साथ किया जाए वो फेयर किया जाए, जस्टिस किया जाए आपके साथ ठीक है, और उसके लिए वो पेशेंटली प्लानिंग करे। फिलहाल वो कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, जेस्चर करना चाहते हैं ओके, इस तरीके का एनर्जी है। चलिए अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को कि साइलेंट जोन में क्यों हैं और आपके साथ वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, वी आर द वर्ल्ड, तो आपके साथ ही खुद का दुनिया खुद का घर बसाना चाहते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, क्लैरिफाई करें सारे कार्ड्स को कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं, और डीप लेवल पे हमें मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, साइलेंस क्यों आया है, किस लिए साइलेंस है, साइलेंस क्यों आया है। देखिए सोर्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं आया था, तो सोर्स की एनर्जी भी आ गए हैं, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और एक बात अभी तक बैंस की एनर्जी नहीं आए हैं, वो भी आ जाएंगे, तो सारे साइन आ जाएंगे। साइलेंस में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्यों इतना साइलेंस है, साइलेंस में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देखिए ये कार्ड बॉटम में था और निकल कर आ गए एम्परर, कोई पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ बैंस, आपकी तरफ कोई ना कोई पावरफुल डिसीजन वो लेना चाहते हैं, पावरफुल डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हार्बिन मोड में है, आइसोलेशन में है, सोच विचार उनका चल रहा है, आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप अपनी पावर में हो, पोजिशन में हो, इस तरीके का वाइब्रेशन है। तो जो भी आप दोनों के बीच में आएगा उनको काट ऑफ करना चाहते हैं, कोई ना कोई पावरफुल डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पर ठीक है, और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं ओके, लगातार वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई पावरफुल डिसीजन वो ज़रूर लेंगे, अगर कोई सोसाइटी बीच में आ रहा है, कोई अदर पर्सन बीच में आ रहा है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर मम्मी डैडी बीच में आ रहा है, उनके दादाजी, या फिर कोई पुराने कोई रीति रिवाज आ रहा है आप दोनों के बीच में, तो उन सारी ऑब्स्टिकल्स को प्रॉब्लम्स को कैसे काट ऑफ किया जाए, कैसे हटाया जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन। गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, यहाँ पर नॉइजेस होता रहता है, थोड़ा एडजस्ट करें। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल गाइड करें, वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है, बैलेंस, स्लीपलेस नाइट है उनका ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो भी कंफ्यूजन में है, जो भी दो सिचुएशन में है, वहाँ पर वो परेशान है, उनको रात को नींद नहीं आता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है वो, अगर आते भी है तो नींद टूट जाता है उनका ओके, और बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, रिग्रेट में रहते हैं कि क्या करें ना करें, और फिर बोल्ड एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन किसी सिचुएशन के चलते हो सकता है उनको पेंटिकल का प्रॉब्लम है यहाँ पर, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली बीच में आ रहा है, पेंटिकल बीच में आ रहा है,
इस तरीके का सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, या तो फिर कोई अदर पर्सन हो सकते हैं उनके लाइफ में, कोई अदर पर्सन है और वो चाहते हुए भी वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से केयरफ्री होकर बाहर आने के लिए। और यहाँ से भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, जो भी जागलिंग सिचुएशन में है, देखिए यहाँ पर जागल कर रहे हैं आपके पर्सन, कोई अदर्स लवर भी हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में, या तो फिर पेंटिकल हो सकता है, या तो फिर उनके वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, उनके मम्मी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो उस जागलिंग सिचुएशन से बाहर आके यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। पेशेंस के कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, कितने टाइम पेशेंस रखना होगा मेरे व्यूअर्स को, और उनके पर्सन कब तक एक्शन लेंगे। ये बॉटम से फिर से वही कार्ड आ गए, मैंने शफल कर दिया आपके सामने। और देखिए वी आर द वर्ल्ड के जो कार्ड है वो टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ पर पेशेंस को क्लैरिफिकेशन में टेन ऑफ पेंटिकल आ ही चुके हैं। तो गाइस आपके पर्सन आपके साथ, जैसे कि मैंने बोला पहले से ही, कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल किसी सिचुएशन के चलते वो आ नहीं पा रहे आपके तरफ पूरी तरीके से, तो इसीलिए वो स्टेप ले रहे हैं आपके तरफ धीरे धीरे। तो धीरे धीरे वो स्टेप ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर वो। न्यू बिगनिंग कब तक होगा, स्टेबिलिटी कब तक प्रोवाइड करेंगे, देखिए न्यू बिगनिंग को न्यू बिगनिंग ने क्लैरिफाई कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ बैंड्स यहाँ से आ गए, यहाँ से टोटलिटी का कार्ड था, तो फाइव ऑफ बैंड्स ऑलरेडी आ गए हैं यहाँ पर। तो क्वीन ऑफ सोर्स जो भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, जो भी सिचुएशन उनको कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की कोशिश करे, वहाँ पर फाइट हो रहा है, और न्यू बिगनिंग के सारे कार्ड्स आ गए। देखिए एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ बैंड्स, यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल, मैच्योरिटी का कार्ड। तो मैच्योरली आपके पर्सन सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, जो भी चॉइसेस है उनको कट ऑफ करना चाहते हैं, वहाँ से बाहर आके यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी चॉइसेस है, जो भी कंट्रोलिंग है, वहाँ पर फाइट हो रहा है उनका। और यहाँ पर आपके पर्सन न्यू बिगनिंग जा रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पर देखिए इस डेक से तीनों न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, साथ ही साथ फुल का कार्ड है, दोनों डेक से फुल का कार्ड है गाइस, यहाँ से भी फुल का कार्ड और यहाँ से भी फुल का कार्ड, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर ज़रूर होगा, न्यू बिगनिंग की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन में कुछ लोग कॉल मैसेज आ सकता है, आपके पर्सन न्यू तरीके से आपके रिश्ते को रिस्टार्ट करने के बारे में बातचीत कर सकते हैं, या तो फिर आने वाले 1 वीक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आया है, और क्या कहते हैं उसको, एरिस, लियो, सजिटेरियस, वो भी आ चुके हैं, ओके। और यहाँ पर पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा, बैलेंस आएगा सिचुएशन में, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, बातचीत करके सॉर्ट आउट हो सकता है आप दोनों के बीच। कैसा सेलिब्रेशन, कैसा सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कैसा सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, देखिए यहाँ से पेज ऑफ कप्स आया था और यहाँ से पेज ऑफ बैंड्स, आने की तैयारी करें और विक्ट्री सक्सेस के साथ आएंगे। जो भी ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पर एंड होगा बहुत सारे लोगों का, तो ऐसी सेलिब्रेशन लेके आना चाहते हैं आपके पर्सन। क्या सेलिब्रेशन होगा, आपके पर्सन वापस आएंगे, बातचीत होगा, देखिए वापस आने की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स एंड विक्ट्री। तो सक्सेसफुली आपके पर्सन ब्रेकअप सिचुएशन को एंड करेंगे, सेपरेशन को एंड करेंगे, उसके लिए ही प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले 6 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर यहाँ पर जो है ब्रेकअप सिचुएशन एंड हो सकता है, आपके रिश्ते में जो है सेलिब्रेशन आ सकते हैं गाइस। दी फुल क्यों आए हैं, प्लीज एंटर गाइड करें। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी जगलिंग सिचुएशन, अगर पेंटिकल का इशू है, ये तो ये सारे कार्ड आया था, मैंने बोल दिया आपको। तो उस वेटिंग सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन अगर था, तो वहाँ से आपके पर्सन केयर फ्री होकर बाहर आएंगे, क्योंकि फुल को क्लैरिफाई किया है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, परमानेंट वाला रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। और आप दोनों के बीच डेस्टाइन कनेक्शन है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरीके से आपके पर्सन फील करते हैं। हो सकता है कुछ लोग हो या फिर यहाँ पर बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपके साथ रियूनियन में आना ही आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे। माय गॉड, देखिए दोनों ही मूव ऑन का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड जो कि पॉजिटिव मूवमेंट को दिखाता है, 8 ऑफ कप जो कि इमोशनली मूव ऑन करने को दिखाता है। तो इसके पहले जितने सारे कार्ड था थर्ड पार्टी का कार्ड था, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन मूव ऑन करेंगे और आपके साथ रियूनियन होगा। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ बैंड्स, तो जो भी डिमांडिंग कार्ड होता है, माय गॉड, बॉटम से सारे कार्ड्स आप देख लीजिए। दी चैरियट,
विद द सिक्स ऑफ कप्स। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके पर्सन और आपके तरफ वापस आने का डिसीजन लेंगे और यहाँ पर बातचीत होगा। आने वाले 8 आवर्स 6 आवर्स 8 डेज, ज़्यादातर 8 डेज लग सकता है, यहाँ पर रियूनियन होने की पूरा चांसेस है गाइस। ठीक है, 666 की एनर्जी आए हैं यहाँ पर, एक कार्ड को क्लैरिफिकेशन में, फुल को क्लैरिफिकेशन में 666 आ गया है। तो मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि 6 डेज के अंदर 6 आवर्स के अंदर आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए चैरियट भी आया है जो कि वापस आने का कार्ड है, और यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स आया है जो कि बातचीत होने का, कम्युनिकेशन करने का कार्ड है। साथ ही साथ यहाँ पर मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग रहेगा और आपके एक्स वापस आने की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम कीजिएगा। और आज तो हद ही पर कर दी है क्योंकि सारे ही कार्ड सेम निकल कर आया, तो मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करूँगी क्योंकि सेम कार्ड्स वापस आए हैं। जस्टिस क्यों आया है, कैसा जस्टिस होगा, शादी, आप शादी करना चाहते हैं, लीगली मैरिड करना चाहते हो, माय गॉड। एस ऑफ पेंटिकल भी आ गए, यहाँ से मैच्योरिटी का कार्ड आया था, यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल। जो भी डेबलिस एनर्जी में आपके पर्सन है, जो भी कार्मिक एनर्जी में, टॉक्सिक एनर्जी में आपके पर्सन है, जिसके भी मैनिपुलेशन में है, वो साइकिल यहाँ पर एंड होगा वर्ल्ड कार्ड के साथ। ठीक है, वो कार्मिक साइकिल यहाँ पर एंड होगा। देखिएगा, इस डी वर्ल्ड के साथ डेविल की एनर्जी है, वहाँ से बहुत क्विकली वापस आएंगे, नाइट ऑफ सोर्स के साथ डिसीजन बहुत क्विकली लेंगे। और इस कार्ड को मैं नीचे रख रही हूँ, और इसके बाद ये कार्ड देखिए, दोनों ही शादी के कार्ड हैं, हेरोफेंट एंड फोर ऑफ बैंड्स। तो आपके पर्सन यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, कमिटमेंट देंगे लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए, और शादी की वाइब्स कुछ दिनों से आ रहा है गाइस, तो कई दिनों से आ रहा है, तो कुछ ना कुछ लोगों को तो यहाँ पर कमिटमेंट मिलेंगे शादी से रिलेटेड। अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो तो वापस आ सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन, और जस्टिस होगा आपके साथ। ठीक है, अगर सिंगल है आपके पर्सन, लीगली वो मैरिड करेंगे, एंड यहाँ पर सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम था, उनके फैमिली मान नहीं रहे थे, तो यहाँ पर फैमिली की भी वो यहाँ पर फैमिली की भी जो है क्या बोलते हैं सपोर्ट उनको मिल सकता है, यहाँ पर फैमिली को भी मना सकते हैं वो। और कुछ लोग के पर्सन हो सकते हैं कि मंदिर में जाके शादी करें, या फिर जो भी स्पिरिचुअल प्लेस होते हैं वहाँ पर जाके शादी करें, इस तरीके के भी वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो शादी के दोनों कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन को, इन अब नॉलेज एंड विस्डम मिल रहा है, साथ ही साथ कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी है। कुछ लोगों का घर में शादी हो सकता है, जैसे कि घर में सबकी मर्जी से शादी होता है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, और क्या बोलूँ मैं आपको। और इस शादी के लिए आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, काल की एनर्जी में भी आया था, काल के नो कॉन्टैक्ट में भी आया था गाइस, शादी की एनर्जी आया था। चैरियट को क्लैरिफिकेशन में शादी का दो कार्ड आया था, आप काल की रीडिंग को चेक करिएगा नो कॉन्टैक्ट का, तो वहाँ पर भी सेम एनर्जी आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये जो प्रेडिक्शन है, देखिए काल की एनर्जी, काल की रीडिंग, आज की रीडिंग मैच कर रहा है, मैसेज सेम आ रहे हैं, और मैं कई दिनों से दे रही हूँ कि कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, तो ज़रूर गाइस कुछ ना कुछ लोगों को कमिटमेंट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जो लोग सही बात पे हो, सही काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ओके, अपने लाइफ में जितना आपको लर्न करना है उतना आप लर्न करे हो, अपने लाइफ में फोकस किए हो और खुद को डेवलप किए हो, आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है, तो ज़रूर आपका रियूनियन होगा और शादी कमिटमेंट आपको मिलने ही वाले हैं गाइस। तो जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो अभी पे बैक होने की टाइम है आज के दिन में। क्या बोलूँ आपको, तो देखिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है, मैसेज आने की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए चारों ही न्यू बिगनिंग के कार्ड आ चुके हैं, और यहाँ पर मैसेजेस के कार्ड आ चुके हैं, यहाँ पर रियूनियन के कार्ड आ चुके हैं, और जो भी डेविलिश एनर्जी है वहाँ से बाहर आने की भी एनर्जी आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आया था दी वर्ल्ड कार्ड के साथ डेविल और यहाँ से बाहर आने के कार्ड, तो सारे ही पॉजिटिव एनर्जी है। अभी भी इतना कार्ड्स है डेक में, देखिए अभी भी इतना कार्ड्स है, और सारे पॉजिटिव, जितना भी पॉजिटिव हो सके आपके लिए वो सारे एनर्जी निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। तो और मैं आज नहीं देखूंगी कि आपके बारे में वो क्या सोच रहे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एनर्जी है वो आपको लेके ही है यहाँ पर, तो सारे एनर्जी निकल कर आए हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं ज़्यादातर, और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से बाहर आने का सोच रहे हैं। दोनों डेक से सेम कार्ड निकल कर आए हैं, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे इस रिश्ते में।
एक्सेप्टेशन फॉर गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, इमीडिएटली क्या होगा, जब भी मेरे व्यूअर्स देख रहे इस रीडिंग को नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिश्ते में, प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। बहुत शादी कार्ड्स आए एक साथ, मैं नहीं लूँगी। देखिए यहाँ पर फोर ऑफ बैंड्स एंड विक्ट्री, दोनों ही शादी का कार्ड और इमोशनल लॉस एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, देखते हैं। माय गॉड, देखिए विक्ट्री का कार्ड आ गया है फिर से यहाँ से, पैशन इग्नाइट, तो ये कार्ड आना था इसलिए आया था। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है गाइस, सॉरी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है एंजल, प्लीज एंजल गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइन में। तीन कार्ड मैं ले लेती हूँ, फोर ऑफ हार्ट चक्र की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन, देखिए शादी का कार्ड भी वापस आ गए हैं, वेटिंग गेम, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, काम कर रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। देखिए सारे कार्ड यहाँ पर पॉजिटिव है, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पर। देखिए रियूनियन होगा, स्पिरिचुअल रियूनियन विथ फॉर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, शादी होगा, परमानेंट रियूनियन कुछ लोगों का होगा, परमानेंट रियूनियन कुछ लोगों का होगा। ठीक है, अगर ड्रीम में आपको रेनबो दिख रहे हैं, ड्रीम में आपको बहुत ज़्यादा कपल दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक साथ होते हुए, या फिर किसी और का शादी आप देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर शादी की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर सक्सेस आपको मिलेंगे, विक्ट्री की एनर्जी है, विक्ट्री एंड सक्सेस, और ये मैरिज की भी एनर्जी है। तो आपके पर्सन बैंड बाजा 12 लेके आपके घर आने वाले हैं गाइस, और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके पर्सन आपके प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और देखिए सिक्स कार्ड में से यहाँ पर चार ही कार्ड मेजर आया है, मेजर पॉजिटिव कार्ड आया है, तो स्पिरिचुअल रियूनियन होगा, शादी के कमिटमेंट मिलेंगे, विक्ट्री और सक्सेस मिलेगा, और यहाँ पर पॉजिटिवली आपके पर्सन इस रिश्ते में काम करेंगे। फिर से देखिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, फिलहाल पेशेंटली प्लानिंग करें, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल की कार्ड, और यहाँ पर पेशेंस आया है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है यहाँ पर, बाकी काम यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए, और मदर यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पर हर रोज़ आ जाते हैं, आज नहीं आया है तो ठीक है, यूनिवर्स पीछे से हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हम सबको, तो इनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है यहाँ पर। कब तक विक्ट्री मिलेंगे प्लीज एंजल गाइड करें, विक्ट्री और सक्सेस कब तक मिलेंगे, कितने टाइम में विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को, कितने टाइम में विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाले हैं मेरे व्यूअर्स को, कितने टाइम में विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाले हैं। हाँ देखिए थर्ड पार्टी में टावर मूवमेंट आया है, सेलिब्रेशन इस टेक से भी आ गए हैं, रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, डिसेप्शन एंड एनवी और डिस्ट्रप्शन। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो भी आपके पर्सन को धोखा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन था वहाँ पर टावर मूवमेंट आएगा। सक्सेस किसको मिलेगा, आपको मिलेगा, ठीक है, आपके पर्सन सक्सेसफुली वहाँ से बाहर आएंगे। कार्ड्स आप जस्ट देखिए, टावर के साथ यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स एंड डिसेप्शन एंड एनवी, तो जिसके वजह से आपके पर्सन आपको चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था, या तो फिर आपके पर्सन को कोई धोखा दे रहा था, चीट कर रहा था, कोई भी थर्ड पार्टी होंगे, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कोई भी हो सकते, तो वहाँ पर टावर मोमेंट आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक मैं अभी देख नहीं हूँ, देखिए लाइट, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का कार्ड है, हार्ट टेक एंड लॉस नंबर थ्री, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मोमेंट एंड चॉइसेस, जो भी उनके लाइफ में चॉइसेस है वहाँ से वो बाहर आएंगे, एक्शन लेंगे, सन की कार्ड है। ओके, रियूनियन कब तक होगा, स्पिरिचुअल रियूनियन क्यों आए हैं प्लीज एंजल गाइड करें, रियूनियन कब तक होगा, रियूनियन कब तक होगा, फिर से शादी की एनर्जी आ गए गाइस, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी है जिसके बारे में आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है। थर्ड आई चक्र विथ थ्रोट चक्र, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में आपको बोल सकते हैं, अगर बातचीत हो रहा है तो थर्ड पार्टी के बारे में आपको बोलेंगे, या तो फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है थर्ड पार्टी, कुछ भी अगर सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में आपके पर्सन आपको बोलेंगे, उनका विजन क्लियर हो रहा है, उनको गाइडेंस मिल रहा है,
और वो आपको भी क्लैरिटी देंगे, यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर से मैरिज की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम, तो आपके पर्सन को नॉलेज विजडम मिल रहा है कि उनको आपकी तरफ आना है, आपको ही शादी के कमिटमेंट देने हैं गाइस। तो यहाँ पर नंबर 5 यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि शादी के कमिटमेंट आपको कब तक मिल सकता है। देखिए नंबर 5 की एनर्जी है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 मंथ्स के अंदर, 5 वीक के अंदर आपका आपको कमिटमेंट मिल सकता है गाइस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में आपको क्लियरिटी दे सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट क्यों आया है, कब तक शादी होगा, कब तक कमिटमेंट मिल जाएंगे। माय गॉड, आज तो क्या बोलूँ, आप लोग क्लेम कीजिएगा गाइस। अगर ब्रेकअप सिचुएशन था, आपके पर्सन आपके आपसे डिटैच थे, किसी सिचुएशन में ट्रैप थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। अगर बहुत दिनों से नो कांटेक्ट था, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ पर ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, सारी दुनिया से कट ऑफ थे, डिस्कनेक्ट थे, तो यहाँ पर चैरियट के साथ वापस आएंगे। ओके, और आज के दिन में तो क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ से भी न्यू बिगनिंग के कार्ड देखे, वहाँ से सारे न्यू बिगनिंग के कार्ड आया था टैरो से, और यहाँ पर भी देखिए न्यू बिगनिंग के 2 कार्ड्स आ गए हैं, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होगा यहाँ पर। विद द हारमोनियस रियूनियन, स्पिरिचुअल रियूनियन, तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। फिर से नंबर 6 आया है, लवर्स का कार्ड है, ठीक है, रियूनियन मस्ट होगा आप लोगों के बीच, और शादी की भी एनर्जी है, ठीक है। तो 6 वीक के अंदर, 6 मंथ के अंदर कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल जाएंगे और शादी के बारे में कुछ बातचीत होगा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली भी एक्सप्रेस करेंगे, उनका हार्ट चक्र धीरे धीरे हील हो रहा है। हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर, प्लीज इनको गाइड करें। हार्ट चक्र की एनर्जी क्यों आया है, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। उस फुलफिलमेंट नंबर 0, फुल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग, एक तरफ कुछ चीज एंड होगा गाइस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर नंबर 0, ठीक है, फुल की एनर्जी है। कुछ सिचुएशन एंड होगा, कुछ सिचुएशन न्यू बिगनिंग होगा, कोई पावरफुल डिसीजन लेंगे यहाँ पर। देखिए ऑथोरिटी खुद के हाथ में लेंगे, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे, पावर गैदर कर रहे हैं ताकि विश फुलफिलमेंट हो। उनका विश फुलफिलमेंट क्या है, आपके साथ रियूनियन में आना, आपको शादी करना, बैलेंस करना सिचुएशन को। ओके, जस्टिस का कार्ड है, और ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इसको हम नहीं लेंगे, गिर गया है कार्ड, वेटिंग गेम आया था और चॉइसेस, तो थोड़ा मेस क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आज के दिन में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, मैंने सारे ही आपको बता दी है यहाँ पर, और यहाँ पर रियूनियन है, शादी की भी एनर्जी है, तो शादी बहुत ही जल्दी आप लोगों का कमिटमेंट मिलने वाला है, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, तो यहाँ पर रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। और देखिए यहाँ से भी शादी का कार्ड है, मैं बोल चुकी हूँ शादी के 2 कार्ड से पहले भी आया था, उस डेक से इस डेक से भी आया है, तो और ज़्यादा मैं इसको नहीं डिस्क्राइब करूँगी, बहुत बोल चुकी हूँ, बहुत बार बोली हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा इरिटेट भी लग सकता है कि मैम कितने बार बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। गाइड करें कितने टाइम में मैरिज कमिटमेंट मिलेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन को, जो लोग सिंगल है या फिर जो लोग मैरिड है, उनका परमानेंट वाला रियूनियन कब तक होगा, और गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज इनको गाइड करें। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, और परमानेंट वाला रियूनियन शादी कब तक होगा। बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहो, खुद के लाइफ में फोकस करो, काम करो, ठीक है, और एक एरिया फील्ड में फोकस्ड रहो। अनलाइकली, तो कुछ लोग के लिए अभी भी श्योरिटी नहीं है, अनलाइकली का कार्ड आजकल आ ही जा रहा है, और कुछ लोग के लिए इन द नियर फ्यूचर गाइस, नियर फ्यूचर में आपको कमिटमेंट मिलेंगे, रियूनियन होगा, और कुछ लोग को बोला जा रहा है खुद की इंट्यूशन को आप फॉलो करें, आपको आपकी इनर गाइडेंस से पता चलेगा कि आपको कब कमिटमेंट मिल सकता है, कब आपके पर्सन आ सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी आ रहा है गाइस आपके लाइफ में, उसको रिसीव करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उनका आंसर नो है, एंजल ने आपको नो आंसर किया है, अगर कुछ लोग पूछ रहे थे कुछ आंसर तो उनका आंसर नो है गाइस। ये ईयर फ्रॉम नाउ, 1 ईयर के अंदर आप लोगों का शादी हो सकता है गाइस। रिमेन पॉजिटिव, और बॉटम से यस है,
जो भी होगा लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के लिए अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा, ओके। और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हो सकता है अभी के लिए आपके लिए आंसर नो हो, लेकिन बाद में वही आंसर यस भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो आप लोग, आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी ज़रूर मिलेंगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपको मिलेंगे जब आपके नेम के हिसाब से रीडिंग होगा, ठीक है। अगर दूसरी बार कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उनका आंसर यस है, ओके। तो गाइस ये था आज के दिन में रीडिंग एंड गाइडेंस रीडिंग। अगर अच्छा लगा है जरूर से लाइक करें और पॉजिटिविटी को जरूर क्लेम करें, बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आए आज के दिन में। और जो लोग चैनल पे न्यू हो, मेरी रीडिंग अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें मेरे वीडियो को, ओके। और टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों का हेल्प किया करें। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।